आप सभी का कल हो गया है यू जी नेट का पेपर तो मैंने सोचा कि पेपर टू जो आपका लॉ वाला पोर्शन है उसका हम एक एनालिसिस कर लेते हैं देखते हैं कि पेपर कैसा था लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था क्या रहेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार तो उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अभी यूजीसी नेट का पेपर दिया है जो कल हुआ था विच वॉज एटीन ऑफ विच वॉज Which was 18th of June, right? Which was 18th of June 2024. उन सब के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। Just to know what was the level of the paper, कैसे uh, questions थे, expected थे, नहीं थे, कौन से area में से आए थे, all of that we will discuss, right? So please share this video with them, please like this video and please subscribe to the channel if you have not yet subscribed. अब तो कर ही लो, ठीक है? चल, तो कैसा था हमारा पेपर, level of difficulty क्या था? लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो आ, मैंने जो पेपर देखा मुझे लगा कि आ, बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था थोड़ा इजी के साइड ही टिल्टेड दिखा मुझे पेपर ठीक है बट फिर भी हम इसे मॉडरेट टू इजी लेके चलते हैं ये कुछ आ, दो चार क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे और जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे डिफिकल्ट तो चलो ठीक है दस क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट की रेंज में आ सकते हैं बट सौ में से दस क्वेश्चंस डिफिकल्ट की रेंज में को मैं पेपर uh, को हम डिफिकल्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते और कुछ चार एक क्वेश्चन थे जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे इसलिए मैंने इसे मॉडरेट टू ईजी की रेंज में रखा है बट अगर बेसिक लॉज से हम क्वेश्चंस देखते अगर कॉन्स्टिट्यूशन के देखते क्रिमिनल uh, लॉ के देखते अगर आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते और ज्यूरिस का भी इनफैक्ट मुझे पेपर बड़ा टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगा तो ये सारे सब्जेक्ट्स में मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी जेनेरिक uh, से क्वेश्चन थे काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन थे जैसे कि हर बार ही आते हैं ठीक है अगर देखा जाए तो पेपर एकदम प्रीवियस ईयर पेपर्स के जैसा ही था एक आध चीज थी थोड़ी बहुत जो आगे पीछे थी बाकी पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने एनालाइज करे हैं तो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते थे कि ये पेपर किस तरीके का होता सिमिलर पैटर्न वही डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे केस लॉज के क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वही जजमेंट बेस्ड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थे फिर वो जजमेंट बेस्ड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी जो थे वो सिमिलर पैटर्न पे थे लैंडमार्क केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं से रिलेटेड थे ठीक है तो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली भी पूछे गए थे अगर हम बात करें फैमिली लॉ की तो फैमिली लॉ में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन था आई थिंक एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही आए थे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का रेलेवेंस मैंने बार बार बोला है जब भी यूजीसी नेट के बारे में बात करी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से बहुत आता है और इस बार भी प्रीवियस ईयर पेपर्स से बहुत आया कंपनी लॉ की भी अगर मैं बात करूं तो सी एस आर कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछा ही गया है और इस बार भी वो क्वेश्चन पूछा गया ठीक है डायरेक्ट uh, बेयर तो से पढ़ा है ये ये सब कब पढ़ना चाहिए? ये आपको सिर्फ तब पढ़ना चाहिए जब आपको कोई कंफ्यूजन हो जब आपको बेयर एक्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो तब आप कमेंट्रीज पे चाहिए तब आप स्टडी मटेरियल पे जाइए. अदरवाइज ट्रीट बेयर एक्ट एज योर बाइबल बेयर एक्ट इज योर तो क्रोनोलॉजी section numbers, section numbers चैप्टर uh, वो क्या बोलते हैं आपके सेक्शन की क्रोनोलॉजी बेयर एक्ट की क्रोनोलॉजी की कौन सा एक्ट किसके बाद आया एनवायरमेंट एक्ट में पूछ लिया था uh, कि कौन सा एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया फिर इसके बाद आपसे वुमेन रिलेटेड जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके भी उन्होंने ईयर्स पूछ लिए थे क्रोनोलॉजी पूछी थी कि कौन से एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया सो अल्टीमेटली बेयर एक्ट बेस्ड काफी क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे अगर आपने बेयर एक्ट का इंडेक्स भी अच्छे से किया तो आप काफी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर सकते थे ठीक है फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो थे मैंने पहले ही बोल दिया डायरेक्टली बेयर एक्ट से थे और बाकी कुछ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे तो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली लैंडमार्क uh, जजमेंट्स के थ्रू ही आए थे बट हाँ कुछ इस बार जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से हट के आए थे uh, तो आपके पार्टनरशिप एक्ट से उन्होंने एक जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था कंपनीज लॉ के जो इस बार जजमेंट्स आए थे तो हर बार कंपनी लॉ से ये

कुछ रीसेंट जजमेंट्स हमें यहाँ मिले कुछ रीसेंट uh, चीजों पर यहाँ बात हुई कुछ कंटेम्प्ररी इश्यूज देखने के लिए मिले जैसे एक क्वेश्चन आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आ गया था फिर जो आपका पैसेज था वो एक पूरा सबरीमाला जजमेंट से आ गया था ऑल द सबरीमाला जजमेंट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट और बहुत रिसेंट नहीं है पर फिर भी इस तरीके की चीजें यहाँ हमें देखने के लिए इस बार मिली फिर आपका अनूप बारनवाल वाला केस पूछ लिया था जो लास्ट ईयर ही आया है बट देन ऑब्वियसली एक अच्छा जजमेंट है एक लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में वो फॉल करता ही है तो इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ देखने के लिए हमें मिली थी अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम बात करें तो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंपनी लॉ से कुछ अनएक्सपेक्टेड केसेस आए थे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया एक क्रोनोलॉजी वाला जो आपका चार्ट पब्लिक कंपनी लॉ से रिलेटेड आया था उसमें थे थोड़े अनएक्सपेक्टेड केसेस जो ये हर बार नहीं पूछते सिमिलरली पार्टनरशिप एक्ट से इन्होंने इस बार केसेस पूछे विच इज नॉट देयर कॉमन टेंडेंसी बट ठीक है जैसे पिछली बार का पेपर अगर आप आग देखोगे तो उसमें नेगोशियबल एक इंस्ट्रूमेंट एक्ट से एक केस पूछा था तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आगे पीछे होने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है ठीक है फिर हाँ फैमिली लॉ में मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही थे एक आधा क्वेश्चन अगर होगा तो होगा वरना सब प्रीवियस ईयर पेपर से था इंटरनेशनल लॉ मुझे इस बार का काफी ईजी लगा तो इंटरनेशनल लॉ में इनकी आदत है ये हमेशा केसेस पूछते थे काफी पर इस बार इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के ऐसे क्रोनोलॉजी वाले केसेस नहीं पूछे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है आर्टिकल 38 पूछ लिया आपसे उसके बाद इन्होंने ये पूछ लिया कि सारे जेनेवा कन्वेंशन में कॉमन आर्टिकल कौन सा है तो बहुत ही आ, बेसिक से आ लगा मुझे इस बार का इंटरनेशनल लॉ काफी ईजी लगा डायरेक्ट कन्वेंशन और डायरेक्ट बेयर कन्वेंशन से प्रोविजन थे विच वॉज वेरी इजी आई थॉट ठीक है थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन अगर आपको लगे होंगे डिफिकल्ट तो लगे होंगे अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ काफी डुएबल था इस बार ऑफ इंडिया भी इजी था सीधे शेड्यूल्स का नाम पूछ लिया आपसे आर्टिकल्स uh, पूछ लिया आर्टिकल थर्टी टू की क्रोनोलॉजी पूछ ली मतलब आर्टिकल थर्टी टू एक ऐसा आर्टिकल है विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू दट यू नो दैट थरोली है ना तो मतलब इट वॉज ऑन एन एवरेजेंट पार्ट ठीक है हाँ कुछ रिसेंट जजमेंट्स कुछ रीसेंट जजमेंट्स अनु बारनवाल वाला पूछा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा लास्ट ईयर का है ना फिर उसके अलावा इन्होंने जो पैसेज पूछा आपसे तो पैसेज आर्टिकल 148 ए से और एनवायरमेंट लॉ को मिक्स करके पूछ लिया था जो आपके पैसेजेस आए थे इस बार कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस जो आए थे ऑल दो डायरेक्टली पैसेज में से आंसर नहीं था आ, बट देखो इन ये लोग तो डायरेक्टली पैसेज बेस्ड आंसर्स पूछते भी नहीं है ठीक है बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जो इनके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन थे उनके आंसर्स काफी ईजी थे हो सकता है कि एन्वायरमेंट लॉ वाला जो पैसेज था जो आर्टिकल 148 ए से आया था और वो जो जिस केस से आया था हो सकता है आपको उस केस का नाम ना याद रहा आओ, बट बाकी के जो क्वेश्चंस उसमें थे वो ठीक ही थे मतलब डिफिकल्ट तो नहीं थे ठीक है फिर कांस्टिट्यूशन का जो आपका दूसरा पैसेज था सबरीमाला जजमेंट से आया था अब सबरीमाला जजमेंट अगेन इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट है और उसमें से भी उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन हिंदू मलhotra वाला पूछा था तो अब आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सबरीमाला जजमेंट में डाइसेंटिंग ओपिनियन किसने दिया था इंदु मल्होत्रा ने दिया था ठीक है कौन सा सेक्शन uh, था केरला रिलीजियस uh, एक्ट का जिसको चैलेंज किया गया था तो थ्री ए को चैलेंज किया गया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे मुझे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी सिमिलरली क्रिमिनल लॉ वाला पोर्शन जो था उसमें भी आपसे ट्रांसफर ऑफ मैलाइस वाला एक क्वेश्चन पूछा था जो थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछ लिया था तो बस अगर आपका अटेंशन लेवल वहां पर अच्छा था अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वहां पर अच्छा था तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से डुएबल था उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको वहां बी का नाम लिख दिया था ट्रांसफर ऑफ मालेस अप्लाई नहीं हो रहा था उसका आंसर नो no ऑफेंस होना था ठीक है फिर इसके बाद कॉम्पनसेशन से रिलेटेड एक प्रोविजन पूछा था कि कौन सा कोर्ट है जो क्रिमिनल में कॉम्पनसेशन दे सकता है तो काफी ईजी ही था पेपर Uh, कुछ क्वेश्चन जरूर मैं मानूंगी कि थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे थोड़ा uh, थोड़े डिफिकल्ट थे बट मुझे नहीं लगता कि पूरे पेपर में 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट रहे होंगे तो 100 में से अगर 10 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हैं तो पेपर को मैं मॉडरेट की कैटेगरी में ही पुट करूँगी ठीक है चले अब एक बार ये देख लेते हैं कि uh, हमारा कट ऑफ कैसा रहेगा तो लास्ट ईयर का जो 2023 दिसंबर का पेपर हुआ था उसका ये कट ऑफ था जनरल का 176 गया था और जे का 200 गया था इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई जाएगा कट ऑफ ठीक है अगर हम आ, लास्ट ईयर का जो जून वाला साइकिल हुआ था यूजीसी नेट का अगर उस साइकिल की हम बात करें तो उस साइकिल में कट ऑफ हाई गया था उस साइकल में जो जून 2023 वाला साइकिल था उसमें जेनरल का कट ऑफ आपका यहाँ पर 200 के आसपास कुछ गया था और जे आपका दो गया था उस बार ठीक है और दिसंबर में वही ऑपोजिट हो गया ठीक तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला कट ऑफ बढ़ेगा इस बार भी कट ऑफ जो है वो बढ़ने ही वाला है 176 200 पर इस बार नहीं रुकेगा ये ऊपर जाएगा ठीक है देखो मुझे क्या लगता है मैं बताती हूं मुझे लगता है कि जनरल का 185 एट्टी टू वन के बीच में रहेगा इससे कम पे नहीं जाने वाला है ठीक है 185, 190 इससे कम नहीं जाएगा जनरल का नेट के लिए जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो 205, 210, ठीक है आई डोंट थिंक कि 200 पे इस बार जे हो पाएगा 205 से 210 और अब जो है ना जे का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ने लग गया है लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन ज्यादा अच्छा होने लगा है जे का लेवल थोड़ा राइज होने लगा है तो मुझे लगता है दो 210, 210 के आसपास पास आपका निकलेगा ठीक है फिर अगर हम ईडब्ल्यू एस कैटेगरी की बात करें तो ई डब्ल्यू एस और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाता है कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता तो इनका 175 सेवेंटी फाइव टू वन के बीच में नेट का जाना चाहिए और इनका जे का 200 से 205 सौ पांच के बीच जाना चाहिए अगेन ई डब्ल्यू एस ओ बी सी और जनरल के मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा पांच एक मार्क्स का ही डिफरेंस यहाँ देखने के लिए मिलता है ठीक है ये भी हो सकता है कि ये वन के तरफ ही ज्यादा आपको टिल्ट होता हुआ दिखेगा ठीक है फिर एस की बात करें तो 155 टू 160 और जे आर एफ वन एटी वन एटी फाइव पे और एस टी का 145 टू 150 और 170 टू 175 ये आपका इस बार का इसके आसपास ही कट ऑफ स्कोर फॉल करेगा आई डोंट थिंक कि इससे नीचे आपका कट ऑफ स्कोर इस बार जाएगा ठीक है तो पेपर की आ, बात हमने कर ली जो कि मुझे काफी डिसेंट पेपर लगा काफी डुएबल पेपर लगा पेपर वन भी इस बार का डिसेंट था आ, पेपर वन की अगर मैं बात करूं करूजा मैंने डिटेल्ड एनालिसिस पेपर वन का नहीं लिया है आपका पर फिर भी अगर मैं पेपर वन की भी बात करूं तो हाँ प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर पेपर से इस बार क्वेश्चन काफी रिपीट नहीं हुए थे तो पीवाई रिपीट नहीं हुए थे पर आ, इस बार हमने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन थोड़े कम आए जो कि हर बार ज्यादा आते थे पर इस बार ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले हायर एजुकेशन से आपके कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन थोड़े कम मिले पर हायर एजुकेशन से मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन से देखने के लिए मिले और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार का मुझे काफी इजी लगा तो वो पेपर भी आ, मॉडरेट टू इजी की रेंज में ही फॉल कर रहा था हाँ रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे बट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था इस बार का ठीक है सो विशिंग यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट आपका जुलाई एंड तक आ ही जाएगा ठीक है जुलाई एंड तक बहुत ईजीली रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा विशिंग यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट जस्ट टू लेट यू नो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी कोर्सिस विध हर विध आस वी मेक यू प्रिपेयर फॉर यू जी सी नेट एग्जाम्स नॉट सॉरी नॉट यू जी सी नेट एग्जाम वी मेक यू प्रिपेयर फॉर एल एल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड बैंकिंग लॉ ऑफिसर एग्जाम्स और हाँ यू जी सी नेट का नेक्स्ट साइकिल के लिए वी विल बी लॉन्चिंग समथिंग तो इस बार हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी अब जो आपकी डिसंबर वाली साइकिल होगी उसके लिए वी विल बी लॉन्चिंग समथिंग सो यू कैन कीप ऑन विजिटिंग टॉप रैंकर्स डॉट कॉम यहां पर अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाके एलएलएम प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे ही हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे ठीक है तो अभी हम क्लैट एलएलएम एआईबीई सीयूईटी ये सब चल रहे हैं इसके अलावा जो भी आपका यूजीसी नेट का भी जब भी लॉन्च होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है ऑलराइट गाइस दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड Please like, share, and subscribe. And wishing you all the very best for your results. I hope you all did a wonderful job at this exam. Take care.